तो मुझे कौन अडॉप्ट करेगा, अ बिलियनियर और अ रेस कार ड्राइवर? रेस कार ड्राइवर के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। सो आई थिंक मुझे बिलियनियर ही चूज करना चाहिए। जी हाँ, तुम्हें कौन अडॉप्ट करने आने वाला है? बिलियनियर। क्या तुम्हें ये चॉइसेस मिली थी और मेरी चॉइसेस थी अ गार्बेज मैन और मिल्क मैन? दिस इज नॉट फेयर। डोंट वरी, वैसे भी ये वियर्ड है, वो इसे वापस यहीं छोड़ जाएंगे। यही वो आदमी है जो तुम्हें अडॉप्ट करने वाला है। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय। सबसे पहले तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो ये है। लेकिन ये किस लिए? बहुत सारी पॉपुलैरिटी के लिए। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ कामिनी, और अब तुम इन गॉगल्स को पहन लो। मिस्टर शर्मा, ये आपकी न्यू डॉटर है, मेरे साथ चलो। जिया, तुम सफर में बहुत ज्यादा थक गई होगी। हाँ, आपका घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लिस्ट है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्या क्या करना चाहती हूँ। क्या आप मैरिड हो? नहीं। दैट्स ओके, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूंगी। ओके, अब तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह मिस्टर शर्मा, लोगों को पता चल गया है कि आपने इस जिया को अडॉप्ट किया है, और अब जब लोग अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे उसके बाद हम इसे अडॉप्शन सेंटर में वापस भेज देंगे। गुड मॉर्निंग, तुम थोड़ी सैड लग रही हो। क्योंकि मुझे मेरी एक भी ड्रेसेस नहीं मिल रही है। जो सारी ड्रेसेस मैं अनाथ आश्रम से लेकर आई थी वो कबर्ड में एक भी नहीं है। वो इसलिए डार्लिंग, क्योंकि मैंने उन्हें बाहर फेंक दिया है। लेकिन आपने ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब कपड़े पुराने थे और मैं नहीं चाहती कि तुम अनाथ आश्रम वाले कपड़े यहाँ पहनो। लेकिन मैं। जस्ट फॉलो मी। वाओ, ये ड्रेस बहुत अच्छा है। लेकिन ये ड्रेस थोड़ा सा छोटा है ना। तुम 16 की हो, 6 की नहीं। और अब ये टैडी मुझे दो। नो। यहाँ पर क्या हो रहा है? मिस्टर शर्मा, देखिए ना आपकी असिस्टेंट, ये मेरे टैडी को मुझसे दूर कर रही है। कामिनी, उसे अपनी एज के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। प्लीज मिस्टर शर्मा, इसको मुझसे दूर मत कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये बहुत ज्यादा पुराना हो गया, इसे मुझे नो। इतना ज्यादा नाटक मत करो डियर, तुम ठीक हो जाओगी। अब जल्दी से स्माइल करो, हमें फोटोशूट के लिए जाना है। अच्छे से स्माइल करो जिया। कैमरा बंद करो, बहुत हो गया फोटोशूट। जिया देखो, मुझे तुम्हारी लिस्ट मिली तो तुम अपनी लिस्ट में सबसे पहले क्या करना चाहती हो? मैंने देखा तुमने इसमें डिज्नीलैंड लिखा है, तो क्या तुम जाना चाहती हो? ओके। ये कितना ब्यूटीफुल है ना। क्या तुमने एंजॉय किया? हाँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। थैंक यू। ओके, अब तुम जाकर सो जाओ। हेलो जिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर शर्मा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हें यहाँ वहाँ घुमाते रहे, समझी? उन्होंने मुझे खुद कहा था कि उन्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और उसके अलावा मैं इसे भी रख सकती हूँ। ओह, तो ये बात है। मुझे तुम्हें वापस भेजने में मजबूर मत करो। कामिनी। यस सर, अभी आई। तो जिया, नेक्स्ट क्या है तुम्हारी लिस्ट में? क्या आपके पास टाइम है? ऑफ कोर्स, मुझे भी मेरे काम से थोड़ा ब्रेक चाहिए। वेल, मैं हमेशा से एक साइंस म्यूजियम में जाना चाहती थी। ऑल राइट, साइंस म्यूजियम में ही जाएंगे। कामिनी, हमारे लिए एक ड्राइवर प्रिपेयर करो। ऑफ कोर्स सर। कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया ना हमने। हाँ, आज तो बहुत मजा आया। सच में। आई एम सॉरी अगर मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तो अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया हो तो। देखो बेटा, तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, शायद तुम वही हो जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। सर, आज आप साइंस म्यूजियम में गए, हमारी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, हमारे बारे में और भी ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं। मुझे अब और आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। व्हाट? मैं एक बच्चे को अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं कर सकता। प्लान्स ऑफ। लगता है मुझे खुद ही तुमसे छुटकारा पाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी रियल फैमिली से कोई मिला है। आपको मिला है? यस डियर, तुम्हारे अंकल निक। लेकिन मैं किसी अंकल निक को नहीं जानती। वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा डियर, वो यहीं पर है, चलो। तो तुम जिया की माँ के भाई हो? यस। लेकिन आपने मुझे कैसे ढूंढा? मुझे तुम्हारे बारे में न्यूज से पता चला, और मुझे पता है तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ बताया ही नहीं होगा, और मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। एटलीस्ट जिया, इन्हें एक मौका तो दो, अगर तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम वापस आ जाना। ओके, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, अगर मेरा वहाँ पर मन नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ओह दैट्स गुड। ये लो जिया, ये फोन, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ऑफ कोर्स, मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। उदास मत हो बेटा, गिव मी अ हग। कामिनी ने बताया तुम्हारी फेवरेट है ये। थैंक यू। हम जल्दी मेरे घर पहुंचने वाले हैं। वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। जब मैं अनाथ आश्रम में थी वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। आर यू ओके? नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हेलो, इट्स मी। तुम्हारी चॉकलेट ने काम कर दिया, वो बेहोश हो गई है। सबसे पहले तो इसे मुझे दो। अब हमें इसके साथ क्या करना है? मिस्टर शर्मा को जो पॉपुलैरिटी चाहिए थी वो उन्हें मिल गई है, तो अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कामिनी, ये सब क्या हो रहा है? ओह जिया, बात बिल्कुल साफ है, मैं तुम्हें मिस्टर शर्मा से दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हैं। मिस्टर शर्मा मुझे ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि कामिनी उन्हें बताएगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन मिस्टर शर्मा की लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि तुम्हारा। हे, ये तुम क्या कर रही हो?
हेलो सर, सब कुछ ठीक है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सॉरी सर, लेकिन वो भी सो रही है। आप लोग मुझे मिस्टर शर्मा से दूर नहीं रख सकते। अच्छा शट अप, मिस्टर शर्मा को शक हो गया है। तो अब हम क्या करें? ये वही है। शांत रहो, मैं इसे हैंडल करती हूँ। सर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सब कुछ ठीक है। हेल्प सर, दरवाजा ओपन मत कीजिए। जिया, I'm sorry सर, मैं चाहती थी कि आप सिर्फ मुझे प्यार करें, ना कि इसे। क्या तुम पागल हो? तुम मेरी असिस्टेंट हो। कामिनी और तुम्हारे फेक अंकल को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मुझे लगा था अब मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। I'm sorry dear, ये जो कुछ भी हुआ, and I promise as your father मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फादर मतलब आप अब भी मुझे अडॉप्ट करना चाहते हो? ऑफ कोर्स डियर, आफ्टर ऑल हमें तुम्हारी लिस्ट में लिखे हुए सारे काम कंप्लीट करने हैं। और देखो मुझे क्या मिला। आई लव यू पापा। जिया, आई लव यू टू। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।